हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरके ड्राइविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को शिफ्ट चलाना सिखाएंगे। आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये शिफ्ट है। आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से शिफ्ट चलाना सिखाएंगे। तो चलिए, मैं बिना वीडियो को लंबा किए हुए वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। जब तक वीडियो को करता हूँ स्टार्ट, आप लोग हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए हम करते वीडियो को। हाँ, तो दोस्तों हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। ये देख सकते हो, हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। इस तरीके का शिफ्ट का लुक होता है। आप लोग स्टेयरिंग पे देख सकते हो, यहाँ पे शिफ्ट का लोगो बना हुआ है। तो ये देख सकते हो, इस तरीके का लोगो आता है। और आप लोगों को स्टेयरिंग दिखा दूँ, इस तरीके की स्टेयरिंग है। और यहाँ पे देख सकते हो, ये म्यूजिक सिस्टम है। और यहाँ पे देख सकते हो, एसी वगैरह इनका सिस्टम दिया गया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो, नीचे की तरफ ये गियर का सिस्टम है। जैसे आप लोगों को मैंने बोलेरो को अंदर बताया था, उसी तरीके का सिस्टम इसके अंदर है। और आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, हैंड ब्रेक है ये। और ये सीट बेल्ट लगाने का है, यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला ये सीट बेल्ट का है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को क्या करना है, गाड़ी के अंदर बैठने से पहले सबसे पहले अपन को सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट लगाने के बाद में इस तरीके से सीट बेल्ट लगाना है, क्योंकि ये अपनी सुरक्षा के लिए सही होता है। तो सबसे पहले सीट बेल्ट को लगाना है इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो, ये मैंने सीट बेल्ट लगा लिया है। इस तरीके से सीट बेल्ट को लगाना है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ नीचे की तरफ गियर एक्सीलेटर वगैरह इनके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हुए हैं। ये तो है क्लच, और यह है ब्रेक, और यह है एक्सीलेटर। फिर से बता देता हूँ, ये तो है एक्सीलेटर, और यह है ब्रेक, और यह है क्लच। ये देख सकते हो, तीनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को सीट बेल्ट लगाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, चाबी को ऑन करना है। चाबी एक बार ऑन हो चुकी है, अब अपनी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। ये देख सकते हो, गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। और अपन को क्या करना है, सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में अपन को हैंड ब्रेक को उतारना है इस तरीके से। तो ये अपना हैंड ब्रेक उतर चुका है। और आप लोगों को सबसे पहले क्या करना, क्लच को दाबना है। क्लच, सबसे पहले क्लच को दाब लेता हूँ मैं। तो क्लच को दाब लिया, ये देख सकते हो, ये क्लच दाब लिया है मैंने। ये क्लच दाबने के बाद में क्या करना है, पहला गियर डालना है इस तरीके से। तो ये देख सकते हो, ये पहला गियर हो चुका है अपना इस तरीके से। अब धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है इस तरीके से। ये देख सकते हो, इस तरीके से क्लच को छोड़ना है। तो अपनी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हो, मीटर में अपनी रेस की सुई ऊपर हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये देख सकते हो, ये अपनी गाड़ी हो चुकी है। हम आ चुके हैं रोड पे, ये देख सकते हो, रोड पे आ चुके हैं। और अपन को सेकंड गियर डालना है अब क्लच दाब के। ये देख सकते हो, सेकंड गियर डाल लिया है। तो लेकिन क्या करना है दोस्तों, जब भी शिफ्टों के अंदर ये सिस्टम होता है, कि बल्कि थोड़ी बहुत इसमें एक्सीलेटर की ज़रूरत होती है, पहले गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी एक्सीलेटर की ज़रूरत होती है इसके अंदर। थोड़ा एक्सीलेटर देके गाड़ी को उठाना पड़ता है, क्योंकि ये पेट्रोल की गाड़ी हो चुकी है। और जैसे कि डीजलों की गाड़ी में एक्सीलेटर दाबने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेस वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। ऐसे ही गाड़ी अपनी ऐसे ही चल सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने सेकंड गियर डाल रखा है इसके अंदर। ये देख सकते हो, ये अपना सेकंड गियर हो चुका है। अब तीसरा गियर डाल के दिखा देते हैं दोस्तों आप लोगों को। आज इस गाड़ी में पूरे गियर डाल के दिखाएंगे। ये देख सकते हो, ये तीसरा गियर हो चुका है अपना। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, इस तरीके का लुक है यहाँ का। तो अपना ये तीसरा गियर हो चुका है। अब अपन लगाते हैं चौथा गियर लगाएंगे दोस्तों। तो ये देख सकते हो, ये चौथा गियर लग चुका है। तो इस तरीके से अपन को गियर डालना है इस गाड़ी के अंदर। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये देख सकते हो, अब ये यहाँ पे जंप आ चुका है। थोड़ा गियर चेंज करते हैं। ये देख सकते हो, ये सेकंड गियर हो चुका है। ये सेकंड गियर में हो चुकी है अपनी गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे जंप था। तो जंपों में थोड़ा सा धीरे करके एक्सीलेटर दाब के और क्लच दाब के गियर चेंज करना है। तो गाड़ी दबने लगती है। तो अपनी गाड़ी नहीं तो, जैसे कि पूरे गियरों में उठाओगे तो अपनी गाड़ी दबेगी। जैसे कि चौथे गियर में या तीसरे गियर में गाड़ी को जंप कुदा रहे हो तो वो क्या है कि दबेगी अपनी गाड़ी इस तरीके से। तो ये देख सकते हो, तीसरा गियर वापस लग चुका है अपना। तो ये दोस्तों, यहाँ पे जंप था तो ये जंप हो चुका है पार। अब चौथा और पांचवा गियर लगा के आप लोगों को हम बताएंगे। ये देख सकते हो, ये चौथा गियर लग चुका है। यहाँ पे स्पीड भी देख सकते हो, 40 से ऊपर जा चुकी है अपनी स्पीड। यहाँ पे देख सकते हो, अब पांचवा गियर लगाने को तैयार है। हाँ, तो दोस्तों अब अपन पांचवा गियर लगाएंगे इसके अंदर। ये देख सकते हो, इस तरीके से अब पांचवा गियर लगाएंगे।
ये देख सकते हैं, ये पांचवा गियर लग चुका है। जैसे कि राइट में लेके ऊपर कर दोगे तो ये पांचवा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को गाड़ी गियर लगाना है, देख सकते हो इस तरीके से। अब ये आगे जंप आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं पास में ले जाके। अब यहाँ पे जैसे कि गियर को चेंज करना है इस तरीके से, ये देखो दूसरा गियर हो चुका है अपना, ये दूसरा गियर हो चुका है। ऐसे जंपों के अंदर इस तरीके से गाड़ी को धीरे करके एक्सीलेटर दाब के और गियर चेंज करना पड़ता है। दोस्तों देख सकते हो रोड बिल्कुल फ्रेश है, तो अपन आप पांचवा गियर लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये अपना तीसरा गियर हो चुका था इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि इसमें यहाँ पे सब लिखा हुआ होता है दोस्तों, इस तरीके से गियर वगैरह इसके अंदर लगाना चाहिए। ये देख सकते हो इस तरीके से गियर वगैरह लगाना चाहिए, ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, एक्स वाई जेड पूरी चीजें इसके अंदर लिखी हुई होती है। तो आप लोग इस तरीके से गियर लगा के चलाना सीख सकते हो। जैसे कि इसमें पूरा ऑप्शन बताया जाता है कि कैसे वगैरह गियर लगता है और कैसे नहीं, आप लोग बिल्कुल आसानी से गाड़ी चलाना सीख सकते हो। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना सीख सकते हो मात्र 2 दिन में। तो दोस्तों 2 दिन आप गाड़ी मतलब अच्छे से चला लोगे ना, तो आप बिल्कुल आसानी से चलाना सीख जाओगे। जैसे कि मैंने 1 ही दिन में गाड़ी चलाना सीखा था, 1 ही दिन में दोस्तों, 1 दिन में मैंने गाड़ी चलाना सीखा था। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से होता है सब कुछ इसके अंदर। ये देख सकते हो ये हो चुका है अपना चौथा गियर, और इधर वो राइट में लेके नीचे करोगे तो ये रिवर्स होता है दोस्तों। राइट में लेके नीचे करोगे तो ये रिवर्स, आर का मतलब हो रहा है ना इसमें, जो रिवर्स का है अपना बैक। इस तरीके से आप लोग गाड़ी चलाना सीख सकते हो बिल्कुल आसानी से। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको गाड़ी चलाना ठीक से आ गया होगा, हमने आपको सारी चीज़ें सही सही बता दी है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान भी आपको कमेंट के जरिए बता देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और अपना गाड़ी ध्यान से चलाते रहिए। थैंक यू।